हर बार प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता था, चाहे वो इफको टोकियो हो, चाहे वो बजाज अलियांस हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो। ये प्रीमियम तो ले लेती थी लेकिन भुगतान नहीं करती थी, क्योंकि भुगतान जब करना था तो उस वित्तीय वर्ष में दूसरा कंपनी आ जाती थी। तो ये एक बड़ा खेल था और ये खेल सरकार करवाती थी। हम लोगों ने कहा है कि नहीं, अब इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, अब फसल बीमा नहीं फसल राहत होगा, और उसको राहत से हम लोग आच्छादित करेंगे। हम लोग जो धान की क्रय हम लोगों की शुरू हो गई है एमएसपी पे 2240 पर, जो भी क्रय केंद्र है उनको कह दिया गया है कि जैसे ही आप खरीदते हैं 50% राशि उनको तुरंत नगद भुगतान कर और बाकी उनके बैंक में जाएगा, ताकि त्वरित उसके हाथ में पैसा आए, क्योंकि जो भी फसल लगाता है वो कहीं ना कहीं से ऋण लेकर ही फसल लगाता है। इस बात को हम लोगों ने दिखाया है। 140 करोड़ रुपए केवल जो होर्डिंग पोस्टर में लगाया जाता था प्रति साल, उसको हमने रोक के दिखाया। बेवजह फिजूल खर्ची की कटौती की गई। कुछ मीडिया के साथी भी कभी कभी उदास हो जाते हैं कि रघुवर राज में तो बल्ले बल्ले था, करना कुछ नहीं था, लेकिन यहां तो जो करता है वही छपता है, करेंगे तो छपेंगे ही। इसलिए हम लोगों ने काम पे भरोसा किया। काम का आकलन आपके माध्यम से राज्य की 3.5 करोड़ जनता करेगी। हम कोई एक्सक्यूज देना नहीं चाहते, लेकिन एक कॉमन सेंसिबल आदमी भी जानता है कि विगत 1 साल कैसा बीता है, लेकिन आगामी 4 वर्ष हमारे लिए भविष्य का हो। हमने लुढ़कते राज्य की जो दशा थी उस पर हैंड ब्रेक लगाने का काम किया है। अब हम लोग एक्सकलेशन के मोड में आएंगे, झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज फिर कमिटेड हूं। हम लोगों ने 2019 में जो निश्चय पत्र जारी किया था, उसी निश्चय पत्र के साथ अपना कर्म पत्र 2024 को देंगे, पॉइंट टू पॉइंट देंगे, और उस दिन जनता को फिर फैसला करना है कि झारखंडी स्वाभिमान के लिए, झारखंडी पहचान के लिए, झारखंडी अधिकार के लिए हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाना जरूरी। हमने एक तरफ रोग से लड़ने का काम किया, दूसरी तरफ रोजगार से भी लड़ने का काम किया। 8.5 लाख हमारे प्रवासी भाई बहनों को हम लोगों ने अपने राज्य में वापस बुलाया। केवल वापस नहीं बुलाया, ससम्मान उनको लेकर आने का काम किया। भारत देश के किसी राज्य ने अपने प्रवासी श्रमिकों को एयर लिफ्ट नहीं करवाया, हम लोगों ने एयर लिफ्ट किया। लाह लद्दाख से लेकर
अंडमान निकोबार तक, मतलब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, दामन दीव से लेकर मुंबई दिल्ली, हर जगह से लोगों को हम लोगों ने लाने का काम किया। जिस परिस्थिति में हम लोगों ने इस राज्य को संभाला था और जिस वचनबद्धता के साथ हम लोग इस राज्य के बागडोर में आए, हम लोगों को मालूम था कि राज्य जिस प्रकार विनाश के गहराई में धंस रहा था, उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक हम लोगों को पुनः झारखंड को रिस्टोर करने में लगेगा। हमारा जो रिस्टोरेशन के साथ साथ जो कमिटमेंट था, उसी लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने 20 और 21 का फाइनेंशियल ईयर का बजट भी पेश किया। बजट के पहले राज्य की वित्तीय स्थिति पर सरकार ने विधानसभा में श्वेत पत्र लाया और पूरे राज्य के सामने यह उजागर हो गया कि किस तंगहाली और किस कंगाली में राज्य को पहुंचा दिया गया। दिसंबर माह में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 16 दिसंबर को तनख्वाह मिल पाया था, काफी जद्दोजहद के बाद। केवल सरकारी राशियों को इवेंट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, चाहे वो केंद्र सरकार का इवेंट हो या राज्य सरकार का इवेंट हो। अब तो केंद्र सरकार ने भी एक इवेंट मंत्रालय बना डाला। उनका ट्विटर अकाउंट भी है पीएम इवेंट बोलकर। ये भारत सरकार का है, भारत सरकार के झंडे के साथ, भारत के झंडे के साथ। पूरा 5 साल इवेंट का काम हुआ, राज्य बदहाली की तरफ चल गया। अकेले डीवीसी के पास पिछले 5 वर्षों में 5,514 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। डीवीसी बार बार अपने पैसे मांगता रहा, रघुवर सरकार ने देने का काम नहीं किया, तो उनके साथ कुछ वैसा काम भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, जो वंचना की बात हम कहे थे, डीवीसी अपने रूप में आ गई। हम लोगों के बिजली काटने पे उतारू हो गई। हम लोगों का महज 1,313 करोड़ रुपए ही बिल हुआ था, जिसमें 741 करोड़ रुपए राज्य सरकार दे चुकी थी, लेकिन केवल और केवल हठधर्मिता से भारत सरकार ने 1,400.50 करोड़ रुपए हम लोगों से काट लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र की वंचना हम लोगों के साथ यही समय नहीं, 66,000 करोड़ रुपए 6,600 करोड़ रुपए हम लोग केवल कोयला कंपनियों से पाते हैं। जब हम लोगों ने जब दबाव बनाया, तो फिर वही इवेंट की तरह कोयला मंत्री यहां आए और मात्र 250 करोड़ रुपए दे दिए। कहां 6,600 करोड़ रुपए, कहां 250 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा, 25,000 करोड़ जीएसटी का बकाया, एक पैसा नहीं बोलता है, ऋण ले लो,
18,000 करोड़ रुपए जीएसटी का पिछले सरकार का घोटाला। इस तरह से वंचना पर वंचना हम लोगों के साथ की गई, लेकिन हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने हर संकट को चुनौती में बदला और हम बजट सत्र चला ही रहे थे कि विश्वव्यापी 12 मार्च को पैंडेमिक की घोषणा कर दी गई WHO के द्वारा। अनान फनान में मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी थी, कांग्रेस को तोड़कर भाजपा की सरकार बनानी थी, इसलिए 23 मार्च तक देश को खुला रखा गया और जैसे ही 23 तारीख को सरकार का गठन हो गया, 4 घंटे के नोटिस पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। आप जानते हैं कि अचानक इस फैसले से देश में क्या स्थिति उत्पन्न हुई।